नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने इसे रोक दिया। तमाम विपक्षी दलों ने संसद से ईडी दफ्तर के बाहर तक प्रदर्शन करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। ये सभी विपक्षी नेता अडानी और हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए लगातार दबाव बनाने और सत्तारूढ़ भाजपा पर राजनीतिक लक्ष्यों के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाने के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको बताते चले कि संसद सत्र के तीसरे दिन भी आज जो सत्र है वो बेहद ही हंगामेदार रहा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित किया। जहां विपक्षी दल के नेता अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं भाजपा के सांसद लंदन में राहुल गांधी के जो बयान दिए हैं उस पर माफी मांगने को लेकर लगातार जिद पर अड़े हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो माफी मांगे तो जो तमाम विपक्षी दल हैं वो अब अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही, वो रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साह सरकार कर रही है और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होके खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जहां एक तरफ पहले तो सत्र नहीं चलने दिया जाता, फिर उसके बाद जो कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर इन सब ये सब करके कांग्रेस संदेश क्या देना चाहती है? बात यह है कि बीजेपी द्वारा जैसे इस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है, देशद्रोह की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी कैबिनेट यूनिवर्सिटी में बोलने गए थे, व्याख्यान के दौरान उन्होंने तमाम बातें कही जिसको लेकर लगातार बीजेपी मखौल उड़ा रही है और कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष यहाँ पर अडानी और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके बाद लगातार बीजेपी घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि कांग्रेस जहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी जो मामला है उसको दबाने का प्रयास करे, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी का सोचना यह है कि अगर हम राहुल गांधी वाले मामले को उठाए रहेंगे, उनसे माफी मांगो कहते रहे, तो कहीं ना कहीं जो अडानी हिंडनबर्ग का मामला है वो भी यहाँ पर दबा रहेगा। फिलहाल दोनों यहाँ पर प्रयास यही कर रहे हैं। अगर हम बात करें मुस्कान इस मामले की करें या राहुल गांधी वाले मामले की, रहे दोनों मामले अलग अलग है, पर फिलहाल दोनों पार्टियों का यही रुख है कि यहाँ पर अपने अपने मामले को यहाँ पर उठाते हुए लेकिन गौरव लगातार ये तीसरा दिन था जब सत्र नहीं चलने दिया गया, जब कार्रवाई स्थगित की गई, लेकिन इन सब में तो जनता के पैसे भी जा रहे हैं और ना जनता के मुद्दों पर बात भी नहीं हो पा रही है। देखिए मुस्कान, जनता की तैयार कोई सुनता नहीं, ना जनता के मुद्दे यहाँ रखे जाते हैं। यहाँ पर विपक्ष के पास केवल एक ही मुद्दा होता है, वो होता है सरकारों घेरना और सरकार किस मुद्दे पे घिरना चाहते हैं, वही बात होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस समय विपक्ष के पास धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, बयान भी बयान देते हैं और तमाम तरह की बात होती है, पर रोटी कपड़ा और मकान इस पर कोई भी विपक्ष की पार्टी काम करना नहीं चाहती, ना बात करना चाहती है। जेपीसी की मांग कर रहा है, जेपीसी बनती है कि नहीं बनती है वो भी अलग बात है, क्योंकि आज जेपीसी की मांग करना अलग बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। फिलहाल इस मामले में होगा क्या किसी को नहीं पता है, फिलहाल ये मामला फिलहाल सियासी हलचल बन चुका है। लेकिन गौरव, जहां एक तरफ लखनऊ में कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठा रही है, उस पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो तो अडानी और हिंडनबर्ग के मामले से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो तो जनता की बात कर ही नहीं पा रहे हैं।
मुस्कान, मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर केवल और केवल छलावा किया जा रहा है। अगर यहाँ पर जिस तरह की बात कर राहुल गांधी पर जिस तरह बीजेपी आरोप लगा रही है, माफी मांगने कह रही है, बीजेपी का सीट पर कह चुका है कि देशद्रोह उन पर लगना चाहिए, मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह की मांग करे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सोचना भी यही है कि राहुल गांधी वाला जो मामला उस पर हम पीठ यानी हमको माफी मांगनी पड़े और हम तमाम तरह के मुद्दे उलझाए रखे। इसकी राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया गया, महंगाई आज से नहीं बढ़ी, अगर हम बात करें सिलेंडर के रेट की उसका भी समय हो चुका है। अचानक कांग्रेस पार्टी द्वारा राजधानी लखनऊ में मार्चपास्ट करना, प्रदर्शन करना, इस पर सरकार कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, अगर ये भी देखा जाए तो क्या क्या कहा जा सकता है कि क्या 2024 में अडानी और हिंडनबर्ग का जो मुद्दा है ये कांग्रेस घसीटने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस को मुद्दा हाथ लगाया तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस मामले को बनाएगी, सियासी सरगर्मी मामले बन चुकी है। लगातार सरकार इसके लिए पत्र रख चुकी है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर बयान जारी कर चुकी है, आरबीआई इस पर बयान जारी कर चुका है, पर इसके बावजूद लगातार हम देख रहे हैं कि उनके जो शेयर है अडानी के वो लगातार बढ़ रहे हैं, पर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और फिलहाल ये मुद्दा सियासी हलचल बन चुका है, और जेपी जी की लगातार मांग विपक्ष कर रहा है उसको लेकर हमारे पास भी किया है। हालांकि उनको विजय चौक को रोक दिया गया, धारा 44 का उनको हवाला दिया गया कि धारा 44 लगी है और इस तरह हम यहाँ पर हमारे पास नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर प्रयास कर सकता घेरने का। तो वही सरकार राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का प्रयास करते जा रही है, तो कांग्रेस को राहुल गांधी वाले मुद्दे पर टारगेट बनाया जा रहा है सत्ता विपक्ष द्वारा। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा हमें देखने को मिला कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार मार्च किया, प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को रोक दिया ताकि कोई भी हंगामा ना हो सके, संसद के बाहर किसी भी तरीके से कोई हंगामा ना हो, जिसको लेकर के पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है और लगातार संसद के बाहर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। संसद सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को भी भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता जो अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े हैं, तो वही भाजपा के सांसद लंदन में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। तो वही बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सदन में केवल राहुल गांधी के बयान पर ही बवाल मचा हुआ है। बीजेपी जो है एक तरफ राहुल के दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष अदानी मुद्दे पर जांच की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठने के बजाय नेता अपने ही मुद्दों पर अब चर्चा कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो राजनेता केवल अपनी राजनीति भुनाने में लगे हुए हैं, और वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है। तो लगातार जो है सत्ता पक्ष वो राहुल गांधी को घेरने का काम कर रहा है और लगातार ये मांग कर रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, और जो सभी सत्ता पक्ष के नेता है वो इसी मांग पर अड़े हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे जो उन्होंने विदेश में अपना एक बयान दिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज संसद सत्र के तीसरे दिन भी कार्रवाई नहीं चल पाई और एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। विभांशु, आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे फेज का तीसरा दिन था और आज के सदन की कार्रवाई भी हंगामों के बेल्ट भेद चढ़ गया। अगर बात की जाए मुस्कान, तो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में एक बार फिर विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में 16 विपक्षी दल सम्मिलित हुए और साथ ही उसमें बात की गई कि कैसे जेपीसी की मांग और साथ ही साथ जो देश की समस्या है उसको कैसे सदन में रखा जाए, इसको लेकर। तो हमारे सहयोगी से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको हम बताते चले कि कांग्रेस जांच पर तो बीजेपी माफी पर अड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो है सभी सत्ता और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को घेरने का काम कर रही है, क्योंकि संसद सत्र का आज तीसरा दिन था। ऐसे में एक बार फिर से कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। कांग्रेस लगातार अडानी और हिंडनबर्ग मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए, तो जो सत्ता पक्ष है वो भी राहुल गांधी के
बयान पर माफी मांगने को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी दल के 16 नेताओं ने बैठक भी की और इस बैठक में यह भी चर्चा की गई कि आखिर सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए, किस तरीके से अडानी और हिंडनबर्ग मामले को संसद में उठाया जाए, मुद्दा बनाया जाए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल यह है कि बजट का जो सत्र है वो तीसरे दिन भी नहीं चल सका। तो जो आम जनता के मुद्दे हैं वो अभी भी ठंडे बस्ते में है, क्योंकि जो सभी नेता है वो अपनी राजनीति की जो सड़कें हैं उसको पक्की करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो सभी नेता है वो जनता को साधने के लिए, विपक्षी दल हो फिर चाहे वो सत्ता दल के नेता हो, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। तो विपक्षी नेता जोहार अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े हैं, तो वही भाजपा के सांसद लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज सत्र का तीसरा दिन था वो भी नहीं चल सका, आम जनता के मुद्दे आज भी ठंडे बस्ते में चले गए, आखिर कब तक ये चलेगा संसद में? जी सही है, अगर बात करें तो आम जनता जो सदन की कार्रवाई होती है उससे अपेक्षा लगाती है कि तमाम जो समस्याएं होती है देश के अंदर में उसको जो उनके जनप्रतिनिधि हैं यानी कि जो उनके सांसद हैं वो सदन की पटल पर रखकर उसके निदान की बात करेंगे और निदान की लिए चर्चा करेंगे। मगर कहीं ना कहीं सदन तीन दिनों से लगातार स्थगित होने से जो आम जनमानस के चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्या सदन के पटल तक नहीं रखी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ ही छलावा है। अगर मुस्कान बात की जाए तो आज विपक्षी दल बैठक के बाद आज बात करें तो ईडी जा रही थी, जहां वो अडानी मामले को लेकर एक सभी विपक्षी दलों के हस्ताक्षर की रिपोर्ट को ईडी के दफ्तर देना चाहती थी। आपको बताएं कि इस सदन के जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं उनकी अगुवाई मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे और 16 प्रमुख विपक्षी दलों के नेता उनके साथ नजर सड़कों पे आए थे। आपको बताएं कि ये नेता सीधे ईडी के दफ्तर जाकर और सर्वसहमति के बाद जो अडानी मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें विपक्षी दलों के हस्ताक्षर रखे गए हैं उनको ईडी के अफसरों को सौंपने जा रहे थे। मगर ईडी दफ्तर से ईडी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है उससे 2.5 किलोमीटर पहले ही विजय चौक पर विपक्षी दलों को हटा लिया गया, जिसके बाद आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंशु, अभी आपने जिस तरीके से बताया कि जो तमाम नेता है उनको 2.5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया, तो इस वक्त वहाँ की मौजूदा स्थिति कैसी बताई जा रही है? जी आपको बताया कि पुलिस ने तमाम नेताओं को 2.5 किलोमीटर पहले ही विजय चौक पे रोक दिया, और बात करें तो जब उन्हें रोका गया तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया 22 में कहा कि हम महज 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस बल तैनात किया गया, हमें हटाने के लिए लोकतंत्र की हत्या है और हम सर्वसहमति के साथ ईडी के अफसरों को हम एक रिपोर्ट देने जा रहे थे, एक सर्वसहमति के हस्ताक्षरों के साथ एक रिपोर्ट देने जा रहे थे जो कि कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से हम कर रहे थे, मगर पुलिस को लगाकर हमें रोका गया, ये असंवैधानिक है। उन्होंने साफ तौर से दंड कसते हुए कहा कि मोदी सरकार जो देश का गौरव बढ़ाने के जो 2 आकर आए हैं वो अपने पाले में करने के लिए कोई संभव प्रयास कर रही होगी, और वो कहीं ना कहीं देखे तो जो भारत के फिल्मों को अवार्ड मिला है उससे भी श्रेय लेने का प्रयास करेगी। तो ऐसे बिल्कुल विभांशु, आज तीसरे दिन तो कार्रवाई नहीं चल पाई लेकिन कल चौथा दिन है, तो क्या लगता है चौथे दिन भी कुछ कार्रवाई हो पाएगी या ऐसे जो सत्र है वो हंगामेदार रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुस्कान तो सदन की जो कार्रवाई है वो 3 दिनों से लगातार स्थगित हो रही है, जिसमें तमाम जो बिल है बात की जाए तो लगभग देखे तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर अगर बजट की बात करें तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। बात करें तो लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल पेश होने हैं, टोटल अगर दोनों सदनों को जोड़ के देखें तो ऐसे लगभग बात करें तो 35 बिल पेंडिंग है, जिसे लंबे अरसे से माना जा रहा है कि सदन में बजट के जो चर्चा है जो प्रश्नकाल है उसमें ये जो विधेयक है वो पास होंगे, मगर कहीं ना कहीं देखें तो इन 35 बिलों की पेंडिंग होने का बस एक ही नतीजा है कि सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। अगर बात की जाए मुस्कान
तो आने वाले दिनों में इन 35 बिलों पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद ये पारित होंगे। अगर बात करें तो लगातार सदन के दूसरे दिन जहां देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की अटेंडेंस को लेकर सवाल उठाए थे, इसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज राहुल गांधी कहीं ना कहीं आज भारत वापस लौटे। माना जा रहा है कि कल सदन की जब कार्रवाई होगी तो राहुल गांधी उसमें हिस्सा लेंगे और उनकी अगुवाई में गत फिर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल के लोग अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो सवाल उठा रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं और दलील दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विभांशु, जैसा कि आपने बताया कि राहुल गांधी आज भारत वापस आ चुके हैं और ऐसे में कल वो संसद के जो सत्र है उसमें मौजूद रहेंगे, तो क्या लगता है किस तरीके से कल की स्थिति होगी, कैसा माहौल होगा कल संसद के अंदर का, क्योंकि राहुल गांधी की माफी को लेकर जो तमाम बीजेपी के दल है वो अड़े हुए हैं कि वो माफी मांगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही, जिसके बाद ये साफ है कि जो पक्ष है यानी कि एस लॉबी है वो लगातार राहुल गांधी से उन्हें सदन के अंदर माफी मांगने की बात कर अड़े हुए हैं। वहीं अगर विपक्षी दल जेपीसी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, देखने वाली बात ये होगी कि सदन के प्रश्नकाल के अंदर में इन तमाम मुद्दों को महामहिम लोकसभा के सभापति ओम बिरला अपना क्या रुख देते हैं, क्या आने वाले दिनों में सदन को स्थगित किया जाएगा या उस पर चर्चा की जाएगी, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। मगर निश्चित तौर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा दिए हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो लगातार संसद में पूरे सक्रियता के साथ पूरी रिपोर्ट फाइल लेकर पहुंच रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि भारत लौटने के बाद वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं तो किन मुद्दों को लेकर सिर घेरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विभांशु, राहुल के बयान पर जिस तरीके से सियासी पारा हाई है, ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस का आगे का रुख क्या होगा? जी निश्चित तौर से जो हाल फिलहाल के 3 दिनों की सदन की कार्रवाई को हम उठा के देखें तो कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संसद की माइक बंद करने का बयान दिया था उसको लेकर काफी आक्रोशित है, वो अड़े हुए हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे कहते हुए आ रही है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कृत्य नहीं किया, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है कि वो माफी मांगे। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी राहुल गांधी का इससे क्या रुख रहता है, क्योंकि भाषण के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भाषण के बाद वो पहली मर्तबा संसद का हिस्सा बनेंगे, विदेश दौरे के बाद वो पहली मर्तबा संसद का हिस्सा माना जा रहा है कि वो कल बनेंगे। अब लगातार जो उनके गैर मौजूदगी में मांग यानी कि विभांशु ये माना जो है कि अगर कल राहुल गांधी सदन में मौजूद होते हैं तो सत्र काफी ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि ये देखना बेहद अहम होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाजपा हमलावर है उस पर अब राहुल गांधी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये बेहद अहम होगा। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बिहार में भी सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है, सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष भ्रष्टाचार पर मौजूदा सरकार की सहयोगी पार्टी यानी राजद पर जमकर निशाना साध रही है, साथ तेजस्वी से उनके इस्तीफे की मांग भी कर रही है। इसी को लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की और विरोध इतना बढ़ गया कि बीजेपी एमएलए लखेंद्र रोशन ने माइक तक ही तोड़ दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें निलंबित कर दिया, जिसके बाद से वहां लगातार हंगामा जारी है। बीजेपी विधायक के निलंबन के बाद बीजेपी ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया तो इस वक्त बिहार में बड़ी हलचल चल रही है। वजह है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला। इस मामले में लालू परिवार को दिल्ली की अदालत से एक बड़ी राहत भी मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है और अब खबर यह भी आ रही है कि सीबीआई ने तीनों की जमानत पर कोई विरोध भी नहीं किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जहां एक तरफ दिल्ली में सत्र हंगामेदार है तो वहीं बिहार में भी कार्रवाई हो नहीं पा रही है और बिहार में भी आज जो ये बजट सत्र की कार्रवाई रही ये भी काफी हंगामेदार रही। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से बिहार विधानसभा की जाए तो लगातार बिहार में एक मामला जो है
वो काफी समय से चर्चित रहा है। जिस प्रकार से 2004 2009 के बीच की बात है, जब यूपी की सरकार थी तो लाल यादव उस समय रेल मंत्री थे, उस समय एक घोटाला उभर के सामने आया था जिसमें जमीन के बदले नौकरी की मांग की थी। बकायदा सीबीआई ने 15 से 16 लोग को इसमें नामजद भी किया है और लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी हेमाया, मीसा के अलावा 15-16 लोग हैं जिनके सीबीआई ने नामजद किया हुआ है। उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री को लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनके ओएसडी थे उनका भी नाम आया था। आज 50,000 के निजी मुचलके पर इन दोनों को जमानत दी गई है और सबसे बड़ी बात की इस जमानत पर सीबीआई ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। हम आपको बता दें कि लालू यादव बकायदा व्हील चेयर पे पहुंचे थे, कुछ समय पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। इसको लेकर बिहार विधानसभा में लगातार विरोध देखा जा रहा है। गले की बात है, बीजेपी से जो विधायक थे बिहार में, उन्होंने इस विरोध के बढ़ते बाद एक वहां पे जो विधानसभा जो माइक था उसको तोड़ दिया था, जिसके सदन की अवहेलना मानी गई, विधानसभा की अवहेलना माना गया और 2 दिन के लिए उनको सस्पेंड भी किया गया। लगातार इस मुद्दे के बाद इस प्रकार से तेजस्वी यादव जब मीडिया से मुखाबित हुए हैं, जब बड़े नेता जब भी मुखाबित रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से लालू यादव उनके परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है। और लेकिन विवेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा ये माइक तोड़ा गया है, ये कहां तक जायज है? क्योंकि तख्तियां लेकर हमने प्रदर्शन देखा, हमने नारेबाजी लेकर प्रदर्शन देखा, लेकिन ये माइक तोड़ना कहां तक सही है? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब देश से किसी सदन में या विधानसभा में इस प्रकार की चीजें हो। इस देश में कुर्सियां भी चली हैं, इस देश में माइक भी तोड़ा गया है, कई जगहों पे हमने कई सारी चीजें देखी। ये अमर्यादित चीजें हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सदन की गरिमा को, विधानसभा की गरिमा को जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, ये चुन के आए हैं, जनता के प्रतिनिधित्व है, जनता इन्हें चुन के अपने लिए इनको भेजती है ताकि वो उनकी समस्याओं को ऊपर ले जाते हैं, समस्याओं को रखते हैं और जनता की समस्याओं का निदान होता है। लेकिन जब सदन में इस प्रकार की चीजें होती है तो ये सदन की अवमानना होती है, क्योंकि आप एक ऐसे पवित्र जगह पे जा रहे हैं, जनता के द्वारा चुन के जा रहे हैं, तो किसी भी तरह से इस प्रकार की कार्रवाई को, चाहे वो कुर्सियां चलाना हो, चाहे स्पीकर माइक या स्पीकर की जो बात आए, स्पीकर तोड़ना हो, माइक तोड़ना हो, इस प्रकार की चीजें जायज नहीं होती है। विवेक, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जमीन घोटाले में अब यादव परिवार को एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है, उनका क्या कुछ कहना है? अगर बात की जाए तो बिहार में इस समय ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और 40 सीटें जो है वो बिहार से भी आती हैं, और बिहार अगर यूपी को मिला दिया जाए तो जिसने इन दोनों जगह पर फतह कर ली, केंद्र में उसकी अच्छी खासी पैठ बन जाती है। और इसके बाद से लगातार जिस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही थी, सीबीआई की छापेमारी चल रही थी, पट्टा पे राबड़ी देवी की आवाज पे छापेमारी हुई, इसके बाद मामला कोर्ट तक गया और आज जो है दिल्ली की रावजवनी कोर्ट से 50,000 के निजी मुचलके पर लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा यादव को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है और सीबीआई ने उसका विरोध नहीं किया है। आज पहले भी कहती आ रही है कि किस प्रकार से उनको फंसाया जा रहा है और ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से लेके फेसबुक पे बकायदा पोस्ट भी किया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। परिवार जो है वो जो लालू परिवार है वो देश के लिए काम आया है, प्रदेश की जनता की भलाई की है, और जो केंद्र की सरकार है वो वैमनस के तहत जो है लालू परिवार को फंसाना चाहती है। तमाम इस तरह की बातें जो है आरजेडी की तरफ से, जदयू की तरफ से भी देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट एक बार फिर से हाईकोर्ट द्वारा सरकार को बनाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की लिस्ट को गलत माना है और जोर देकर कहा गया है कि 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ियां पाई गई हैं, यानी कि विसंगतियां पाई गई हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था, जिनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, तो चलिए आपको सुनाते हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने हमारे सहयोगी से क्या कुछ कहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के अभ्यर्थी एक बार फिर प्रदर्शनरत हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये अभ्यर्थी है जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किए हैं। आवास का घेराव करके साफ तौर से इनका मांग है कि हमें जो हमारी
भर्ती है जो हमने पूरी चयन प्रक्रिया के तहत भर्ती को पूरा किया है उसमें हमें नियुक्ति मिले। साफ तौर से यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पुलिस बल के जवान यहाँ से अभ्यर्थियों को हटा रहे हैं और इनका साफ है कि कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से ये प्रदर्शनरत हैं, एक लंबे अरसे से ये अपनी मांगों को लेकर लगातार ऐसे अलग अलग जगहों पर आवाज़ उठा चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो सदन तक ये बात उठ चुकी है 69,000 मामले की। वहीं अगर बात करें तो कल ये 69,000 के शिक्षक अभ्यर्थी के प्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से मिलकर और उनसे अपनी मांग को सदन के साथ साथ उनमें अपना साथ मांगा है। यहाँ हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करने आपको डिटेन किया जाए, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तो हमारा अधिकार छीना जा रहा है, ऊपर से ये लोग हम लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। अब ये देखो ट्रक के मंत्री जी, बिल्कुल, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक लंबे अरसे के बाद 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी फिर से राजधानी लखनऊ की सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं। हम एक बार इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आप लोग सड़कों पर उतर गए अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? हमारा हक हमें दिया जाए, हमें और हमारे 800 सीटों को बहाल किया जाए, जो गलत एटीआरई पे ऑर्डर दिया गया है उसको सही से रिफाइंड कराया जाए। बात की जाए तो एक लंबे अरसे प्रदर्शन की एक बार फिर आ चुकी है आप सड़कों पे। हम कुछ और लोग इस बात को आप देख रहे हैं कि कैसे इन्हें डिटेन किया जा रहा है पूरे पुलिस बल को लगाकर। ये अभ्यर्थी हैं जो लंबे अरसे से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शनरत है। साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी 69,000 शिक्षक भर्ती को एक अहम मुद्दा बनाकर पेश किया गया। समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इनकी नियुक्ति पत्र की एक घोषणा की थी। साथ ही अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ तमाम जो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाई की अभ्यर्थी हैं जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पहुँची हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि हमें जो हमारा हक है वो हमें मिले। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे जो डिटेन हो चुके हैं, यहाँ से इन्हें डिटेन किया जा रहा है। आज लंबे अवसर के बाद फिर से आप सड़कों पर हैं अपनी मांग को लेकर, क्या कहेंगे? जी, हमारा मामला हाईकोर्ट में चल रहा था सिंगल बेंच में, आरक्षण का घोटाला हुआ था जिसमें 6800 लिस्ट ये स्वीकार किया था सरकार ने कि घोटाला हुआ है, गलती हुई है, तो लिस्ट जारी की थी। उसके बाद ये इस लिस्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया करवा दिया जाता है, उसके बाद 14 महीने तक सुनवाई चलती है, उसके बाद जिस मैटर पे कोई सुनवाई बहस कोई भी नहीं होती हाईकोर्ट में, उस मैटर पे फैसला आता है। जबकि आना ये चाहिए था कि 68 लोगों को ज्वाइनिंग दो, लेकिन आता है कि डबल आरक्षण लागू हुआ है, उसको डबल आरक्षण लागू ना करके एक बार आरक्षण दिया जाए। तो आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि शासन की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ओबीसी आरक्षण का ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है और मजबूत पैर भी नहीं किए हैं, इसी कारण से ऐसा हुआ है। इसमें सरकार की भी साजिश है, विभाग की साजिश है, इसी वजह से ऐसा हुआ। हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो लंबे अरसों तक आपने प्रदर्शन किया, सड़क से लेकर पानी की बौछारें छोड़ी गई, लाठियां बरसाई गई, उसके बावजूद फिर आप आए हैं कल समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष से मिले, क्या बातें हुई? हम लोग मर जाएंगे फिर भी आएंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक लड़ेंगे। कहाँ से आए? हम रायबरेली से आए हैं और 75 जिले से यहाँ लोग आए हैं। हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी चुनाव होगा, चुनाव में जाएंगे, वोट मांगेंगे। हम ही लोगों की वजह से ये मंत्री बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। आप कहां से आई हैं? सर, मैं बाराबंकी से आई हूं। बंकी से आए हैं आप, परिवार को कहीं ना कहीं परिवार से हट के आज अपनी मांगों को मांगने आई हैं। बेटे को मैं अकेली हूं, अपने बेटे को लेके आई हूं, मेरा और कोई मेरे घर नहीं है, मैं छोड़ के, मेरा बच्चा बीमार है, मैं छोड़ के यहां मंत्री जी से मिलने आई थी कि हमारी लिस्ट को मॉडिफाई कराया जाए, क्योंकि शुक्ला जी ने जो ऑर्डर दिया गलत, जिसपे कोई फैसला आज तक कोई बहस ही नहीं हुई, वो सरासर अन्याय किया इन लोगों ने हमारे खिलाफ। हम मंत्री जी से केवल यही गुहार करने आए थे कि आप आइए और हमसे मिल लीजिए, लेकिन मंत्री जी थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने झूठ बोला, यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने झूठ बोला सर। बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी चुनाव के समय आप लोग यहाँ आए हुए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े थे और आज फिर आए हैं, तो क्या मंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, क्या उनका कोई नुमाइंदा आपसे मिला? सर मिले नहीं, चोरी से भग गए सर। प्रशासन झूठ बोलता है कि यहाँ मंत्री जी नहीं है, बनारस है, लेकिन सामने से निकल गए, मिले नहीं। कैसे ये ओबीसी
कांग्रेस के नेता है, ये साजिश है हम लोगों को बाहर करने की। सरकार से, सरकार को इस पे अपना क्या रुख देना चाहिए? सरकार से कहेंगे कि हमारी लिस्ट को मॉडिफाई कराए, हमको नियुक्ति दे 800 को, हमारे जो हमारे खिलाफ ये जो हो रहा है षड्यंत्र, इस पे न्याय करे योगी जी। बस यही योगी जी से विनती है, मोदी जी से, योगी जी से। तो आप साफ तौर से यहाँ अभ्यर्थी को सुन रही थी, जो उनका कहना है कि जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको एक बार दिखाएं कि यहाँ से पुलिस बल उन्हें डिटेन करके और यहाँ से हटा रही है साफ तौर से। इनका आज सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर इनका एक लंबा जमावड़ा देखने को मिला। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारी मांगे हैं, लंबे अरसों से हम प्रदर्शनरत हैं, हमारी मांगों को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सुने और उसे सदन में रखें, साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से रखें और हमारी समस्याओं से हमें निदान दिलाएं। अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अगर देखें तो लाखों की संख्या में लोगों ने आवेदन किया होगा, उसमें से 69,000 लोगों का चयन हुआ और एक लंबे अरसे से प्रदर्शनरत इनकी मांग है कि हमें नियुक्ति पत्र दी जाए। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो अभी आपने सुना कि जो अभ्यर्थी है वो कितने ज्यादा परेशान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको मंत्री जी से मिलने तक नहीं दिया गया और ये कहा गया कि वो बनारस में है लेकिन वो हमारे साथ निकल गए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, सभी अभ्यर्थियों को पहले इको गार्डन भेजा गया लेकिन अभी खबरों की माने तो एक बार फिर से अभ्यर्थी जो है वो बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश करते हुए नजर आए। जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के अंदर में आज 78,000 शिक्षक भर्ती के चयनित 6,800 अभ्यर्थी जहां सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर घेराव करके उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे, वहां से डिटेन करके उनके इको गार्डन ले गया गया। वहीं अगर बात की जाए तो उनके प्रतिनिधि मंडल आज समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचकर उनसे अपने मामले पर सहयोग और सदन के पटल पर बात रखने की कही गई जा रही थी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो वहां से भी अभ्यर्थियों को हटाया गया, संदीप सिंह के घर से हटाया गया, बेसिक शिक्षा मंत्री के घर से। उसके ठीक बाद अभ्यर्थी टुकड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाकर पहुंच गया और बात करें तो लगभग सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी ज्ञापन देने का बात कह रहे थे मगर उनको वहां से भी डिटेन किया गया। तो आज देखें तो राजधानी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टुकड़ियों में 69,000 के जो 6,800 आरक्षण पीड़ित के अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को अलग अलग पैतरे से लेकिन विभांशु हाईकोर्ट की तरफ से तो लिस्ट को रिव्यू करने के लिए सरकार को कह दिया गया है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं इनके प्रदर्शन की वजह क्या है, ये क्या मांग उठा रहे हैं? अब जी अगर देखा जाए तो बीते दिन एक कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि 3 महीने के अंदर इस फिर से लिस्टिंग की जाए और इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो सरकार ने पक्ष रखा है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों का, उन्होंने जो पक्ष रखा है उसमें पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है उसको दाखिल नहीं किया गया है, उसमें अवहेलना किया गया है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैतरों से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में ये अभ्यर्थी राजनीतिक दलों के बीच रैलियों के बीच जाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, अलग अलग तरीकों से राजधानी लखनऊ में अपनी मांगों को मांगते हुए नजर आए हैं। अब लोकसभा चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसके ठीक पहले एक बार फिर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि 2022 चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव है, 2024 चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए शासन और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री इनके तमाम जो मांग है उस पर कितना सुनते हैं और क्या काम करते हैं वो आने बिल्कुल। धन्यवाद दुभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।